सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जो अपने को सत्ताईस क्वालिफिकेशन का नाज रखते हैं, दो तीन उदाहरण उनके ही बता देना चाहता हूं। जिस समय कोविड की वेव चरम के ऊपर थी, तब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कोविड वैक्सीन का फार्मूला सारी कंपनियों को क्यों नहीं दे दिया जाता। मान्यवर, कोविड वैक्सीन तो छोड़िए, पैरासिटामोल जैसी जो दवा भी अमेरिका ने उस समय हमसे मंगाई थी। आप कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ये कह सकता है कि वो चूडन की तरह फार्मूला सबको दे दिया जाए? तो कभी कहते हैं कि यूट्यूब के ऊपर फिल्म क्यों नहीं लाद दी जाती है? अरे भाई, वो सरकार का अधिकार का क्षेत्र नहीं है। और फिर इतना ही नहीं, सिंगापुर में इनको बुलाया, इनविटेशन आता मेयर्स कॉन्फ्रेंस का, तो मुख्यमंत्री होते हुए जाना चाहते हैं। तो मेरे विचार से कम इनको थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए। और एक पढ़ने लिखने पे एक तथ्य मैं जरूर बताना चाहूंगा। जब न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में इनकी तारीफ निकली थी, तो इनके मुंह से निकल गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा अखबार, और उसमें इतनी तारीफ निकलवाना आसान नहीं है। वैसे निकलवाना शब्द निकल गया था, मगर मैं पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को यह भी बताना चाहता हूं महोदय कि न्यूयॉर्क टाइम दुनिया का सबसे बड़ा अखबार नहीं है, वो है यमुनी शेम्बुन जापान का। अमेरिका का भी सबसे बड़ा अखबार वो नहीं, वो यूएसए टुडे। और इतना ये समझिए, इतना ही नहीं, भारत का टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, और वो भी उनसे अधिक है। तो मैं सिर्फ ये बताता हूं, अरे भाई, जिस अखबार का नाम लेते हैं, कम से कम उनको तो पढ़ लेना चाहिए था। इन्हें ना पढ़ाई से मतलब है, न लिखाई से मतलब है, इन्हें तो बस कमाई से मतलब है, और वो भी ऊपर वाली कमाई से। और अंत में मैं कहना चाहता हूं सर, अंत में एक लाइन और कहना चाहता हूं कि आज सब लोग मिले, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिले, भारत की सबसे पुरानी पार्टी, पुरानी धुरानी पार्टी, नई पार्टी, नई नवेली पार्टी, अजब अलवेली पार्टी, सब मिलकर एक हो गए। मगर प्राप्त क्या किया? दोनों ने सिद्धांतों से समझौता किया, और कांग्रेस ने भी इतना सयाना दांव चला कि इन्होंने अगर उनका हाथ पकड़ के दिल्ली अध्यादेश पर समर्थन लिया हो, तो अविश्वास प्रस्ताव ले आए, लीड उनको मिल गई। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं अंत में कि इन लोगों को आखिर में क्या प्राप्त हुआ, ये पंक्ति कहकर समाप्त करता हूं कि इनको विधेयक भी नहीं मिला और सम्मान भी नहीं मिला, यानी इज्जत भी गई, बात भी नहीं मिली। तो एक पंक्ति कहता हूं, न तुम ही मिले, आप लोगों के लिए लागू है, न तुम ही मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, दीद मतलब साइट, न तुम ही मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, तुम ही कहो ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई।